वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। आलमी अमन सलामती में अक़वामे मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ इकदाम की अपील की जाएगी। आज मईशत राइट ट्रैक पर आ चुकी है, हम इदारों को खड़ा होते देख रहे हैं, पाकिस्तान पर दुनिया एतमाद कर रही है। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म और उनकी टीम को मुआशी इस्तेहकाम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कामयाब मुहिदे के लिए वज़ीर आज़म की काविशें काबिल तहसीन हैं। हुकूमत ने PIA की निजकारी का अमल एक माह के लिए मौखर कर दिया। बिडिंग की पेशगी रकम के लिए 28 अक्टूबर तक की मोहलत। ज़राए के मुताबिक PIA निजकारी की बोली अब 31 अक्टूबर को लगेगी। निजकारी के हतमी ड्राफ्ट पर मज़ीद गौर के लिए दहिंदगान ने वक्त तलब किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक अफगान दहशतगर्द की शनाख्त, पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार और हलाक होने वाले अफगान दहशतगर्द हैं। 26 सितंबर को शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 दहशतगर्दों को हलाक किया था। मेयर कराची ने शहर में पानी का मसला हल होने की नवीद सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा शहरियों से किया गया वादा पूरा करेंगे। मंसूबे से मुतालिक वफाक से दरकार इजाज़त मिल चुकी है। मुर्तज़ा वहाब ने कराची में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का आज़म भी जाहिर कर दिया। और पंजाब और सिंध में डेंगू के वार थम न सके, 24 घंटों में सिंध में 14 केसेस रिपोर्ट। रवा माह सिंध में 292 अफराद में डेंगू की तस्दीक, 256 का ताल्लुक कराची से है। पंजाब में हफ्ते भर के दौरान 570 केसेस सामने आए, 68 केसेस के साथ रावलपिंडी सरे फहरिस्त है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।